सिद्धि हिंदी विद्यालय और सिद्धि इंग्लिश स्कूल यूट्यूब चैनल में आप सभी अभिभावक और विद्यार्थी मित्रों का मैं हर्षद जानी हार्दिक स्वागत करता हूँ। कक्षा 12वीं विषय अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स लेकर पुनः एक बार आप लोगों के सामने वीडियो नंबर 12 लेकर मैं प्रस्तुत हुआ हूँ। विषय की शुरुआत करूँ उससे पहले यदि मेरा यह वीडियो आप लोगों को यदि पसंद आता है तो आप लोग इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब के बाजू में जो आइकॉन का बेल है उनको दबाना ना भूलें और साथ में आपके जितने भी मित्रवर्ग वगैरह है उसमें अधिक से अधिक इनको शेयर करने का प्रयत्न भी कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी इसका लाभ उठा सके। विषय की शुरुआत करूँ सुंदर सुविचार के साथ, लौट आएगी खुशियाँ अभी कुछ गमों का शोर है, जरा संभल कर रहो दोस्तों ये इम्तिहानों का दौर है। आपको भी मालूम है कि जो समय हम लोग पसार कर रहे वो थोड़ा इम्तिहान का समय है, तो इम्तिहान का दौर भी निकल जाएगा। श्रावण मास भगवान शंकर का चल रहा है तो आइए हम सब मिलकर भगवान भोलेनाथ की 2 मिनट की प्रार्थना करते हैं। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। इसी प्रार्थना के बाद आइए लेशन चौथा जो चल रहा था, लेशन चौथे का नाम है बैंकिंग और मौद्रिक नीति। जैसे कि आप लोगों को अगले सारे वीडियो के अंतर्गत विधि थी कि बैंक से रिलेटेड बहुत सारी बातों की हमने जानकारी इस लेशन के संदर्भ में ली थी, फिर भी इनसे पहले के वीडियो में हमने जो कुछ भी सीखा है तो उसका एक बार पुनरावर्तन कर लेते कि हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने बात की थी 3 अंकों की एक टिप्पणी की, बैंक का उद्भव और विकास। उसके बाद हम लोगों का एक टॉपिक चला था बैंक का अर्थ, अर्थ बोलो या परिभाषा, क्या बैंक का अर्थ समझाओ, अलग अलग विद्वानों की परिभाषा हमने इसके अंतर्गत देखी थी। उसके बाद हमने बैंकों के जो प्रकार है, ऐसे तो 2 प्रकार है, वाणिज्यिक बैंक और मध्यस्थ बैंक, लेकिन वाणिज्यिक बैंक या व्यापारी बैंकों की हमने जानकारी प्राप्त की थी टिप्पणी के तौर पर। और उसके बाद व्यापारिक बैंक, व्यापारिक बैंक को वाणिज्यिक बैंक भी कहते हैं, वाणिज्यिक बैंक के या तो व्यापारिक बैंक के मुख्य कार्य जो थे वो भी हमने देखे थे। अब हम व्यापारिक बैंक के जो कार्य है उसका मुख्य कार्य पहला जो हम लोगों ने देखा था जमा स्वीकार करना, मतलब जमा स्वीकार करना अर्थात क्या, तो के लोगों के पास जो पैसे है वो पैसों को बैंक में जमा के रूप में स्वीकार करने का काम व्यापारिक बैंक सबसे पहले करती है। तो उसमें वो सबसे पहले बैंक जो मुख्य रूप से ये जमा स्वीकारने का काम है वो 3 तरह से करती है। कदाचित MCQ के तौर पर आप लोगों को पूछे कि बैंक कितने तरीके से जमा स्वीकारती है, तो कि 3 तरीकों से। सबसे पहला जो है वो चालू खाता, चालू खाते की जमा राशि है। दूसरा बचत खाते की जमा राशि है। और तीसरा सावधि जमा खाता अथवा सावधि जमा रकम के तौर पर जमा स्वीकारती है। अब इन 3 का परिचय हम आगे के अंतर्गत प्राप्त करेंगे कि भाई बैंक मुख्य रूप से 3 तरह से जमा का स्वीकार करती है, चालू खाता द्वारा, बचत खाता द्वारा और सावधि जमा खाता द्वारा।
इस तीनों प्रकार के अलावा एक चौथा भी प्रकार है, हालांकि कुछ लोग इसको स्वीकारते हैं, कुछ लोग उसको नहीं स्वीकारते। वो खाते का नाम है रिकरिंग खाता। मैं आगे इसके बारे में जानकारी आप लोगों को देता हूँ। आगे सबसे पहले जो हमने खाते जमा स्वीकारने की जो बात देखी, उनकी बारी बारी से हम लोग एक एक करके परिचय प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। सबसे पहले जो था वो था चालू खाता। अब कदाचित आपको ये पहले तो ये जानकारी होनी चाहिए कि चालू खाता कहते किसको है। चालू का सामान्य मतलब होता है रनिंग। रनिंग अर्थात उसकी एक परिभाषा थोड़ी देखे तो, कि जिस खाते में पैसे जमा करने और निकालने पर कोई प्रकार का नियंत्रण न हो उसे चालू खाता कहते हैं। पुनः एक बार, जिस खाते में पैसे जमा करने पर, मतलब आपकी मर्जी पड़े उतनी बार आप पूरे दिन में पैसे जमा कर सकते हैं और जितनी भी बार मर्जी पड़े उतनी बार आप पैसे को निकाल भी सकते हैं। मतलब जो खाता कंटिन्यू चालू ही रहता है। अर्थात वापस एक बार परिभाषा को अर्थ देखिएगा कि जिस खाते में पैसे जमा करने पर और निकालने पर कोई प्रकार का नियंत्रण न हो, मतलब व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार कितनी भी बार पैसे जमा कर सकता है और कितनी भी बार पैसे निकाल सकता है, तो उसको चालू खाता कहा जाता है। नंबर दो, यह खाता ज़्यादातर किसके नाम से खोला जाता है, तो व्यवसायिक इकाई। पहले तो आपको व्यवसायिक इकाई का नाम समझना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मानो कि आपकी खुद की कोई दुकान है और आपकी दुकान का नाम सुंदा रेडीमेड है, या तो मानो कि भगवती साड़ी भंडार है, या तो मानो कि हर्ष ट्यूशन क्लासेज है, तो ऐसे कोई भी नाम से आप अपने चालू खाते को खुलवा सकते हैं। अर्थात आप जो भी व्यवसाय करते हैं वो व्यवसाय के नाम पर एक तो खुलता है, जैसे कि टाटा इंडस्ट्रीज, रिलायंस इंडस्ट्रीज वगैरह वगैरह वगैरह, अथवा व्यक्ति के नाम पर अंबानी है, या तो आप अपने नाम से भी मतलब ये खाता खुलवा सकते हैं। पुनः एक बार, यह खाता व्यवसाय की इकाई या व्यक्ति के नाम पर खोला जाता है। नंबर तीन, इस खाते में व्यक्ति के लेन देन पर कोई नियंत्रण नहीं होता। जैसे हमने परिभाषा में आगे ऑलरेडी देख लिया था कि व्यक्ति जितनी भी बार चाहे उतनी बार अपने पैसों को जमा भी कर सकता है और निकाल भी सकता है, वो चालू खाते के अंतर्गत। इस खाते की जमा रकम पर व्यक्ति को कोई प्रकार का ब्याज नहीं मिलता। ध्यान दीजिएगा, कदाचित आपको MCQ एक अंकों का कोई सवाल पूछे कि भाई बैंक का ऐसा कौन सा खाता का प्रकार है कि जिसके अंतर्गत बैंक के द्वारा ब्याज नहीं मिलता, तो वो है चालू खाता। हालांकि ये खाता में व्यक्ति को ब्याज मिलता नहीं, बल्कि खातेदार जो व्यक्ति होता है उनको बैंक को चार्ज देना पड़ता है। मतलब अगर आपने चालू खाता खुलवाया है तो बैंक आपको कोई पैसे नहीं देगी, बट आपने जो खाता खुलवाया उसके बदले में आप बैंक को कुछ न कुछ भुगतान करेंगे। सभी बैंकों का भुगतान का चार्ज अलग अलग होता है। इंट मीन्स शॉर्ट में अगर मैं कहूँ तो चालू खाते में ब्याज मिलता नहीं, बल्कि व्यक्ति को या तो खातेदार को बैंक को चार्ज देना पड़ता है। चालू खाते में व्यापारी को ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी मिलती है। अब ये ओवरड्राफ्ट क्या है, आप लोगों को मालूम है कि 11वीं में आप लोग ओवरड्राफ्ट की जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। फिर भी कल की सी जानकारी दे दूँ कि यदि आप लोगों के खाते में 1,00,000 रुपये की जमा रकम हो, अगर आपका खाता चालू है, ध्यान दीजिएगा पूरी बात को, यदि आपका खाता चालू है, मतलब चालू खाता है, और यदि आपके खाते में 1,00,000 रुपये की जमा रकम है और अगर आपको 1,25,000 रुपये को उठाना है, तो अगर आपको बैंक 1,25,000 रुपये की सुविधा उठाने की देती है तो उसको ओवरड्राफ्ट कहते हैं। मतलब जमा राशि से अधिक राशि उठाने की सुविधा को ओवरड्राफ्ट की सुविधा कहा जाता है। आगे अब बात करते हैं दूसरा नंबर, तो कि बचत खाता। अब बचत खाता तो लगभग आप लोग नॉर्मली बहुत सारे जानते हैं, क्योंकि बचत खाता एक ऐसा खाता है जिससे ज़्यादा लोग मतलब इनसे परिचित है। फिर भी यदि बचत खाते की मैं बात अगर आपको करूं, तो उसकी परिभाषा की बात अपन देखने का प्रयत्न करते हैं कि सामान्य जनता बचत करने के लिए, सामान्य जनता में हम सब आ जाते हैं, सामान्य जनता मतलब मध्यम परिवार के लोग, सामान्य जनता बचत करने के लिए अल्पकालीन समय के लिए जो खाता खुलवाती है उसे बचत खाता कहते हैं। सामान्य जनता मतलब गरीब और मध्यम परिवार के लोग कुछ समय के लिए पैसा बचत करने के लिए कुछ समय का जो खाता खुलवाती है उसको बचत खाता कहा जाता है।
उसी के अंतर्गत परिभाषा को थोड़ा टैली कर लीजिएगा। हम लोगों को ज़्यादातर भारत के जो जितने भी प्रतिशत लोग हैं उनमें से 50% लोग ऐसे हैं जिसका लगभग बचत खाता है, और हम सबका भी लगभग मतलब प्रधानमंत्री जनधन योजना के द्वारा जो खाता खोला गया है वो भी तो एक प्रकार का बचत खाता ही है। दूसरा मुद्दा यदि मैं बात करूँ तो कि बचत खाता ज़्यादातर कौन खुलवाता है, तो एक तो गरीब अथवा दूसरा मध्यम वर्ग, या तो गरीब या मध्यम वर्ग के द्वारा ज़्यादातर बचत खाता खुलवाया जाता है। तीसरा उसके अंतर्गत बात मैं करूँ तो बचत खाता जिसका होता है वो व्यक्ति चेक के द्वारा, डेबिट कार्ड के द्वारा, एटीएम कार्ड के द्वारा अपने पैसे को जमा भी कर सकता है और अपने पैसे को उठा भी सकता है। मतलब बचत खाते में आप चेक के द्वारा, डेबिट कार्ड के द्वारा, एटीएम कार्ड के द्वारा पैसे जमा करवा सकते हैं। बचत खाते पर बैंक ब्याज देती है, बट सामान्य का यहाँ पर अर्थ लेना है बहुत कम। बचत खाते पर बैंक बहुत ही कम ब्याज चुकाती है। उसके अंतर्गत एक में बात अगर करूँ तो बचत खाते के लेन देन पर सभी बैंकों का अपना अपना नियंत्रण होता है। मतलब पहले हमने जो पढ़ा उसकी परिभाषा, इसमें एटीएम के द्वारा या क्रेडिट कार्ड के द्वारा अपने पैसे जमा कर सकते हो, बचत खाते पर बैंक ब्याज चुकाती है बहुत ही सामान्य, और सभी बचत खाते के लेन देन का अर्थ आप लोगों को समझा दूँ कि कितनी बार पैसे जमा कर सकते हो और पूरे दिन में कितनी बार पैसे उठा सकते हैं। या तो मंथली किसी का नियम होता है, किसी का ईयरली होता है, सभी बैंकों का अपना अपना नियंत्रण और नियम भी होते हैं। उसके बारे में आप लोगों को इतनी कोई, जैसे बैंक प्राइवेट बैंक है तो उसके हिसाब से है, सरकारी है तो उसके हिसाब से। भारत जैसे मध्यम पारिवारिक देश में ज़्यादातर लोग, मैंने आपको आगे बताया था कि लगभग भारत के 50% से भी ज़्यादा लोग इस प्रकार का बचत खाता खुलवा चुके हैं। मतलब भारत में कौन से खाते की संख्या अधिक है, तो बचत खाता। नेक्स्ट तीसरा जो है वो सावधि जमा खाता। अब सावधि जमा शब्द थोड़ा अर्थशास्त्र का शब्द है लेकिन बच्चों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैं सावधि जमा खाते की बात करूँ तो सबसे पहले उसकी परिभाषा कि जिस खाते में जमा रकम निश्चित समय के लिए रखी जाए, मतलब मानो के साल भर के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, 6 महीने के लिए या तो महीने भर के लिए, मतलब जिस खाते में पैसे जमा रकम निश्चित समय के लिए रखा जाए या किया जाए तो उसको सावधि जमा खाता कहते हैं। अगर आप लोगों को याद हो फिक्स तारीख हो जिसकी, मतलब 1 साल का है तो 1 साल के अंतर्गत से पहले आप उसके पैसे नहीं उठा सकते। अब आपको बीच में प्रश्न हुआ कि सर मानो के बीच में मुझे अगर वो पैसे उठाने तो उठा तो सकते हैं, पर बैंक उसके ऊपर ब्याज कम कर देती है। नंबर 2, ज़्यादातर सावधि जमा खाता अमीर वर्ग के द्वारा खुलवाया जाता। अमीर मतलब पैसे वाले लोग, जिसके पास घर में पैसे रखने की सुविधा नहीं है या तो पैसे मानो के रखने नहीं है घर में, तो वो लोग ज़्यादातर सावधि के तौर पर अपने पैसों को जमा कर देते हैं। सावधि जमा खाते पर बैंक सबसे अधिक ब्याज चुकाती है। IMP मुद्दा है, MCQ का मुद्दा है कि भारत में बैंकों में कौन सा खाता ऐसा है जहां पर अधिक ब्याज मिलता है, तो आपका उत्तर रहेगा सावधि जमा खाता। ये आपका मुद्दा विशेषता के तौर पर आप लोगों को लिखना है। आगे का जो मुद्दा है, सावधि जमा खाते में जमा रकम का जो समय होता है वो निश्चित होता है, मतलब 5 महीने, 6 महीने, साल भर, 2 साल फिक्स होता है समय, उसमें आगे पीछे आप नहीं कर सकते। ज़्यादातर लोग दीर्घकालीन समय के लिए बचत करने के लिए उद्देश्य से सावधि जमा खाता खुलवाते हैं। साल भर की FD करते हैं, FD नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, FD भी इसको आप कह सकते हैं। इन तीनों खातों के प्रकार के अलावा एक चौथा प्रकार भी है जो आगे मैंने आप लोगों को बताया, अंग्रेजी में उसको रिकरिंग और हिंदी में उसको आवर्ती खाता कहते हैं। थोड़ी आवर्ती खाते की भी जानकारी अपन प्राप्त कर लेते हैं कि क्या है आवर्ती खाता। आवर्ती खाता मतलब रिकरिंग खाता। अब ये रिकरिंग खाता होता है क्या है, रिकरिंग मतलब हर महीने रिकर पैसे होते रहे। मतलब मानो के 100 रुपये आपने नक्की किए तो हर महीने आपके पगार में से 100 रुपये मतलब उस खाते में चले जाएंगे, उसको आवर्ती अथवा रिकरिंग कहते हैं। पर फिर भी परिभाषा के तौर पर यदि देखें तो उसकी परिभाषा बहुत मस्त लिखी है कि जिस खाते में पैसे जमा करने की तारीख, ध्यान दीजिएगा शब्दों पर, जमा करने की तारीख, अगर आपने हर महीने की 5 तारीख नक्की की है तो आपको हर महीने की 5 तारीख को वो पैसे जमा करने पड़ेगी। और रकम,
अगर हर महीने आपने 500 रुपये नक्की किए, 1000 रुपये नक्की किए, मतलब 5 तारीख और 500 रुपये, मतलब तारीख नक्की हो और रकम भी नक्की हो, तो उसे आवर्ती खाता कहते हैं। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हर महीने मानो कि आप बचत के तौर पर अपने पगार में से 1000-1000 रुपये की बचत करना चाहते हो तो बैंक में रिकरिंग खाता खुलवा दो, और 10 तारीख नक्की करते हो तो हर 10 तारीख से पहले या 10 तारीख को आपको 500-500 रुपये तो 1000-1000 रुपये जो भी नक्की किया है वो उस खाते में जमा करवाने ही पड़ते हैं। नंबर 2, आवर्ती खाता अधिकतर कौन खुलवाता है? तो आपको भी मालूम है कि जिसका पगार निश्चित समय पर आता हो, धंधार्थी व्यक्ति है, व्यवसाय करना वाला व्यक्ति है, खुद का बिजनेस करने वाला इस प्रकार का खाता नहीं खुलवाता, पर नौकरी करने वाले लोग ज़्यादातर इस प्रकार का खाता खुलवाता है। क्यों? क्योंकि उसकी नौकरी एक जगह पे फिक्स होती है, उसका पगार भी फिक्स होता है, और उसका पगार हर महीने की तारीख को आता है, तो उनमें से वो बचत करने के लिए थोड़ी थोड़ी रकम को रिकरिंग के तौर पर आवर्ती खाते में जमा करवाता है। नंबर 3, इस खाते में बचत खाते से अधिक, थोड़ा शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, इस खाते में बचत खाते से अधिक और सावधि जमा खाते से कम ब्याज मिलता है। आपको मालूम है कि सबसे कम ब्याज मिलता है बचत खाते में और सबसे अधिक ब्याज मिलता है सावधि जमा खाते में, अर्थात सावधि से कम और बचत से अधिक ब्याज मिलता है आवर्ती जमा खाते के अंतर्गत। नंबर 3, अर्थशास्त्री आवर्ती खाते को बचत खाते का ही एक प्रकार मानते हैं, और आपकी बुक में भी बचत खाते के प्रकार के नीचे ही ये रिकरिंग खाता या आवर्ती खाता दिया हुआ है, उसके बारे में आप भी आप लोगों ने मतलब उसके अंतर्गत देखा होगा। इस प्रकार बैंक में जो पैसा जमा करते हैं वो 4 प्रकार से होता है, ऐसे तो 3 प्रकार है, ध्यान दीजिएगा, ऐसे तो 3 प्रकार से ही बैंक में पैसे जमा होते हैं, पर 4 प्रकार से बैंक में पैसे जमा किए जाते हैं। उसमें पहला चालू खाता, अंग्रेजी में लोग उसको करंट अकाउंट कहते हैं। नंबर 2, बचत खाता, अंग्रेजी में लोग उसको सेविंग अकाउंट कहते हैं। नंबर 3, सावधि जमा खाता, जिसको लोग फिक्स डिपॉजिट कहते हैं। और नंबर 4, आवर्ती जमा खाता, जिसको अंग्रेजी में रिकरिंग खाते के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार हम यहाँ बैंक के खातों के प्रकारों की कदाचित प्रकार पूछे या जमा स्वीकारने के तरीके पूछे तो दोनों का उत्तर एक ही रहेगा। आप लोगों का, आपने ये जो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हर्षद जानी, मेरा संपर्क नंबर है 9825581539। यदि आप लोगों को इस वीडियो को लेकर कोई भी प्रकार की तकलीफ, समस्या या मुसीबत है तो आप मेरा संपर्क कर सकते हो। इसके लिए आप लोगों का धन्यवाद। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके अधिक से अधिक ग्रुप में इसको शेयर भी कीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक बच्चे इसका लाभ उठा सकें। फ्रॉम सिद्धि हिंदी विद्यालय, बहुत बहुत धन्यवाद।